भाजपा के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के दीवानी कचहरी गेट के सामने स्थित कैंप कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि भाजपा ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए वर्तमान MLC देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जिन भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है वह देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रत्याशी बनने के बाद अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रत्याशी रहते हुए शिक्षकों के लिए अनेकों कार्य किए हैं। जिनके कार्यालय का शुभारंभ हुआ है या गोरखपुर जिला व महानगर का कार्यालय रहेगा, इसलिए कोई भी वोटर अपना यहां पर नाम देकर बूथ पर जाकर मतदान कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भैया चाचा आगे आए चाचा मलवा लीजिए मलवा जी को धर्मेंद्र जी आइए 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 हाँ भगवान रामचंद्र की जय। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। एक ही पूरी लिस्ट यहाँ लेके रखिए मेरी गाड़ी में। आइए बेटा आप दीजिए, अभी उसको उससे बोल दीजिए 500 मशरूम दे दे मशरूम और लाइट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान में MLC हैं भी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अन्य जो भी पर्चा दाखिल किए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह जी के आगे सभी आज असहाय अपने को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रयत्न किया है और इस पर अपना पूरा कार्य किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यह जो है घोषित प्रत्याशी हैं। हमने आज कार्यालय का उद्घाटन किया, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये सभी के सभी लोग थे। अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी अब अधिकृत तौर पर जो है प्रत्याशी की घोषणा के बाद हम सब लोग जा कर के उनके साथ नामांकन भी कराए हैं और नामांकन के AB फॉर्म भी दिए हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन भी किए हैं। यह गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस दोनों का कार्यालय रहेगा, यहाँ से सब लोग आकर करके अपने नाम को देख सकते हैं और उसी आधार पर जाकर के मतदान कर सकते हैं।